हेलो गाइस, माय नेम इज अजमल खान। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज मैं आया हुआ था टाटा के शोरूम पे और आज मैं कवर करने वाला हूँ टाटा सफारी का गोल्ड एडिशन। और हम बात करेंगे इसके एक्सटीरियर में क्या क्या फीचर कंपनी ऑफर करती है और इंटीरियर में क्या क्या फीचर ऑफर करती है और इस गोल्ड एडिशन में क्या स्पेशल है जिसकी वजह से इसको गोल्ड एडिशन में ऐड किया गया और इसको सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल में ही लॉन्च किया गया है। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं इसी गाड़ी के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी चाबी से। देखिए ये टाटा सफारी का गोल्ड एडिशन का जो ये चाबी मिलती है ना, ये ऐसे कुछ मिलती है। अगर ये लोग जो ये यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश दिया है, यहाँ पे गोल्ड एडिशन का क्रोम देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, उससे हाईलाइट होता कि भाई ये गोल्ड एडिशन की चाबी है। तो ये चीज़ करना चाहिए था टाटा को। बाकी चाबी भाई काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छी लगती है, प्रीमियम सी चाबी लगती है भाई। दो दो चाबी मिलती हैं, दोनों आपको रिमोट कंट्रोल मिलती है इसमें आपको। तो चलिए ये बात कर लेते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, फ्रंट में क्या क्या कंपनी ऑफर करती है। जैसे कि आपने इसकी वीडियोज़ काफ़ी देखी होंगी तो मैं इसके मेजर फीचर्स को कवर करने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले आपको हेडलाइट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाएगा और दूसरा आपको हैलोजन मिल जाने वाला है। बाकी इसके सराउंड में जो क्रोम दिया है वो आपको गोल्ड में मिल जाने वाला है, उसी के जस्ट नीचे आपको फॉग लैम्प का प्लेसमेंट मिल जाएगा। बाकी ये आपको ये एरिया सब जो है बॉडी कलर मिलने वाला है। आइए बात कर लेते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल में इसके ग्रिल की। देखिए ग्रिल आपको ट्राई एरो पैटर्न में आपको ग्रिल मिल जाएगी जो कि गोल्ड में फिनिश पे आपको मिलता है। ये जो क्रोम है आपको गोल्ड एडिशन मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे टाटा का लोगो भी है, वो भी आपको गोल्डन भी मिलने वाला है। बाकी उसके नीचे आएंगे तो देखिए ये आपको ग्रिल छोटी सी मिलने वाली है। इसके ये जो रेडिएटर है इसमें एयर जाने के लिए इसको छोड़ा जाता है जिससे इंजन कूल रहे, काफ़ी बड़ा इंजन लगा के देती है जो है टाटा इसमें। बाकी नीचे भी आपको रेडिएटर में एयर जाने के लिए आपको विंड मिल जाएंगे। बाकी आइए बात कर लेते हैं इसके DRLs की। देखिए यहाँ पे आपको LED DRLs मिल जाएंगे जो कि काफ़ी शानदार लगते हैं जब ये जलते हैं। तो भाई ये देखिए फ्रंट की प्रोफाइल ऐसे कुछ दिखती है। बाकी एरोडायनेमिक बनाने के लिए यहाँ पे कर्व वगैरह आपको फ्रंट में मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको कर्व मिलेंगे, बाकी यहाँ पे भी आपको कर्व मिल जाएंगे। तो फ्रंट में बात करें तो ये आपको रैन सेंसिंग वाइपर वहाँ मिल जाता है। ये देखिए वाइपर जो है, मान लीजिए पानी अगर बारिश होगी तो आपको वाइपर ऑन नहीं करना पड़ेगा, अब यहाँ से आपको पानी जैसे गिरेगा उस पर वैसे ही आपको जो है रैन सेंसिंग वाइपर आपको ऑन हो जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल में। देखिए साइड प्रोफाइल ऐसे कुछ दिखने वाली है। जो क्रोम हैंडल्स हैं वो सारे के सारे आपको गोल्डन टच में मिलने वाले हैं। बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल में इसके टायर की। 18 इंच का इसमें टायर मिलता है, काफ़ी बड़ा जो है टायर लगा के देती है कंपनी। यहाँ पे बॉडी क्लाइडिंग मिल जाएगी। ORVM की अगर बात करूँ तो पियानो ब्लैक फिनिश पे ORVM मिल जाते हैं और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर जो मिलता है वो आपको LED मिलने वाला है। यहाँ पे आपको फ्यूल का जो है फ्यूल टैंक मिल जाएगी आपको। तो आइए अब बात कर लेते हैं इसके रेयर प्रोफाइल के बारे में, रेयर में कंपनी क्या क्या ऑफर करती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके LED टेल लैंप्स की। देखिए यहाँ पे आपको जो है LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं। ये आपको जो टर्न इंडिकेटर मिलता है वो हैलोजन मिल जाने वाला है। आइए बात करते हैं इसके लोगो की। तो देखिए यहाँ पे आपको ये गोल्ड एडिशन है तो यहाँ पे जो लोगो मिलता है टाटा का वो भी आपको गोल्डन डस्ट पे मिल जाने वाला है, गोल्डन क्रोम पे मिल जाने वाला है। यहाँ पे आपको कैमरे का प्लेसमेंट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सफारी लिखा हुआ जो कि आजकल गाड़ियों में मिलता है, स्पेस दे दे के जो लिखते हैं वो भी आपको गोल्डन फंड मिल जाएंगे। तो आइए बात करते हैं इसके बूट स्पेस के बारे में। देखिए ये 6 सीटर है तो आपको जो बूट स्पेस मिलता है वो काफ़ी कंजेस्टेड बूट स्पेस मिलता है, थोड़ा सा बूट स्पेस मिलता है। लेकिन जब आप इसके सीट को जब आप रिक्लाइन कर देते हैं तो आपको देखिए काफ़ी अच्छा खासा बूट मिल जाता है। जब इसके सीट को रिक्लाइन कर देते हैं तब आपको बूट स्पेस जो मिलता है काफ़ी सफिशियंट बूट स्पेस मिलता है। तो ये बात करते हैं इसके रेयर सेंसर के बारे में। यहाँ पे आपको 2 सेंसर मिल जाएंगे। बाकी नीचे आपको जो स्पेयर व्हील होती है नीचे आपको हैंग मिल जाने वाली है। तो यहाँ पे आपको स्पॉइलर के साथ आपको हाई स्टार्ट स्टॉप लैंप मिल जाएगा, 4 पिन इंडिकेटर आपको यहाँ मिल जाने वाला है। बाकी बात करें इसके रूफ रेल की, देखिए यहाँ पे आपको रूफ रेल मिल जाने वाली है जो कि पियानो ब्लैक फिनिश पे आपको रूफ रेल मिलती है, काफ़ी शानदार और काफ़ी इन्हांस होता है इससे लुक। बाकी गोल्डन टच पे देखिए यहाँ पे आपको क्रोम मिल जाने वाला है, यहाँ पे आपको सफारी लिखा हुआ मिल जाएगा। भाई आप बात करते हैं इसके इंटीरियर में कंपनी क्या क्या ऑफर करती है। शुरुआत करते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर से। देखिए आपको जो डोर अनलॉक करने का जो फीचर मिलता है यहाँ पे आपको जो क्रोम फिनिश मिल जाने वाला है आपको, ये आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है। और ये बात करते हैं इसके फ्रंट सीट की, आपको 6-way आपको सीट एडजस्टमेंट का फीचर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो ORVM दिया हुआ है इसके ORVM के ग्लास को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये फीचर मिल जाता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली है। यहाँ पे आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आपको स्टीयरिंग मिल जाती है। बाकी आपको स्टीयरिंग पे जो कंट्रोल मिलते हैं म्यूजिक के, इधर आपको म्यूजिक के कंट्रोल मिल जाते हैं, इधर आपको
क्रूज कंट्रोल और इसके MIDs को एक्सेस करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन होता है, कितना चली है, कितना, ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिल जाने वाली है। यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाने वाला है। इधर आपको जो है हेडलाइट के कंट्रोल मिल जाएंगे और इधर आपको वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल भी जाने वाले हैं। बाकी यहाँ पे जो स्टेयरिंग पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश का यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे जो लोगो मिलता है आपको वो भी गोल्डन डस्ट पे मिल जाने वाला है। बाकी ये आपको देखिए यहाँ पे ये आपको टेक्सचर जो मिलता है ये पियानो ब्लैक फिनिश, हालांकि इसके ऊपर एक रैप किया हुआ है प्लास्टिक का, ये हालांकि पियानो ब्लैक फिनिश पे आपको मिलता है। यहाँ पे बीच बीच में आपको जो है गोल्डन टच दिखाने के लिए कि गोल्डन एडिशन है, तो यहाँ पे ये सब जो है आपको लाइनें मिल जाएगी। डैशबोर्ड मिलता है ये आपको सॉफ्ट मटेरियल पे मिल जाने वाला है। आपको काफी जो है सॉफ्ट मटेरियल का टाटा ने इस गाड़ी में यूज किया है। बाकी MID की बात करूं अगर मैं, तो देखिए आपको जो वेलकम फीचर मिलता है देखिए ऐसा कुछ आपको वेलकम फीचर मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक LCD स्क्रीन मिल जाएगी, इधर आपको जो है एनालॉग मिल जाने वाला है। आपको MID का एरिया दिया, यहाँ पे जो क्रोम यूज किया है वो भी आपको गोल्डन टच पे मिल जाने वाला है। बाकी यहाँ पे IRVM आपको मिल जाने वाला है। देखिए ये आपको SOS वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको दो माइक मिल जाने वाले हैं। बाकी इसके जो है इसके सन ब्लाइंडर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े से सन ब्लाइंडर मिल जाते हैं देखिए, लेकिन फिर भी बड़े होने के बाद भी थोड़े से एरिया छोड़ते हैं, लेकिन ये कि जो है बाकी गाड़ियों से बड़े हैं इसके सन ब्लाइंडर। बाकी इधर आपको वैनिटी मिरर मिल जाने वाला है, जिसमें आपको यहाँ पे जैसे आपको हैरियर में लाइट मिलती है वैसे इसमें भी आपको लाइट मिल जाने वाली है आपको। बाकी सेंटर कंसोल में आपको यहाँ पे हजार्ड लैंप के ऑप्शन दिए गए हैं। हेडलाइट के कंट्रोल वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। बाकी आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और जो है सिटी में आपको जो गाड़ी बंद हो जाती है वो सब यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाते हैं। इको मोड आपको यहाँ से एक्टिवेट करने के लिए, ये इकोनॉमिक मोड आपको जैसे मान लीजिए सिटी में आप चलते हैं जब आप गाड़ी को स्टॉप करेंगे तो अपने आप इंजन बंद हो जाता है, तो ये आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन ये जो टच का एरिया दिया हुआ है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मार्ट सा लगता है देखने में। और यहाँ पे आपको जो एरिया मिलता है आपको यहाँ पे बटन्स वगैरह मिल जाते हैं, AC के कंट्रोल, यहाँ पे आपको एप्पल कारप्ले वगैरह के जो है ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ सामान वगैरह रखने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे USB का कंट्रोल मिल जाता है। बाकी चल यहाँ दो बटन देखिए, ये आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और यहाँ पे आपको हिल असिस्ट का फीचर मिल जाता है। ये जो आपको ऑप्शन मिलता है ये जो है मोड वगैरह को चेंज करने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको पार्किंग ब्रेक, वो लीवर वाला पार्किंग ब्रेक नहीं मिलता है इसमें आपको बटन से आप जो है इसको ऊपर कर देंगे पार्किंग ब्रेक मिल जाएगा आपको। ये बाकी ये जो ऑटो होल्ड वाला फीचर है ये काफ़ी यूजफुल फीचर है। मान लीजिए कभी आप ढलान पर गाड़ी रहती है, आगे आप जैसे बढ़ाएंगे अपने आप ही जब इसको एक्टिवेट कर देंगे अपने आप ही क्या होगा ऑटो होल्ड हो जाती है, पीछे की तरफ गाड़ी नहीं जाती है, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। काफ़ी लोगों को इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है। बाकी यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश का जो है एरिया मिल जाएगा, ये पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पे यूज़ किया है। बाकी ये जो एरिया मिलता है यहाँ पे आपको लेदर यूज़ किया है कंपनी ने। बाकी ये गियर नॉब जो है ना ये पियानो ब्लैक फिनिश, साइड में पियानो ब्लैक फिनिश यूज़ किया है। बाकी यहाँ पे आपको ग्लॉसी टेक्सचर दिए गए हैं, ये 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता है। बाकी देखिए ये आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच का यूज़ यहाँ भी मिल जाएगा आपको, कि यहाँ पे आपको दो बड़े कप मिल जाएंगे होल्ड करने के लिए और तीसरा एक छोटा कप होल्डर मिल जाएगा। बाकी इसको कप को ग्रेप करने के लिए यहाँ पे एक रबड़ का यूज किया गया, जिससे जो है कोई चीज अगर आपने लिक्विड रखा हो तो वो गिरे ना। बाकी ये आपको जो एरिया मिलता है ये आपको आर्मरेस्ट जो मिलता है ये आपको सॉफ्ट टच मटेरियल पे यूज किया है कंपनी ने। बाकी ये जो थ्रेड का यूज किया ना ये भी आपको गोल्डन टच पे यूज किया है, क्योंकि ये गोल्ड एडिशन है तो यहाँ पे जगह जगह पे आपको जो थ्रेड भी है जो सीट वगैरह में थ्रेड यूज किया है वो भी आपको गोल्डन फिनिश पे यूज किए हैं। बाकी यहाँ पे इसको एक्सेस करने के लिए ये पीछे की तरफ प्रेस करना पड़ेगा, ये ऐसे पीछे करेंगे आप ये खुल जाता है। 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे आपको इसको कूल रखने के लिए एक AC का जो है विंड यहाँ छोटा सा मिल जाएगा आपको। दो आपको USB के कंट्रोल मिल जाएंगे जिससे आप जो है चार्जिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कई चार्जिंग के ऑप्शन दिए गए हैं इस गाड़ी में, हालांकि ये टॉप मॉडल है तो इसमें आपको जगह जगह पे जो है चार्जिंग के सॉकेट, पीछे भी आपको चार्जिंग सॉकेट वहाँ जो है जो पीछे वाली सीट है वहाँ भी आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाएंगे आपको। बाकी यहाँ पे आपको रेयर सीट को जो है एडजस्ट करने के लिए, रिक्लाइन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। देखिए आपको इसको रिक्लाइन करने के लिए, यह आपको अगर रिक्लाइन करना है तो यहाँ से आप इसको रिक्लाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको सीट को पीछे करने के लिए एक और ऑप्शन मिल जाता है। तो बात करें इसके ओवरऑल फ्रंट में फीचर की, काफ़ी शानदार फीचर इसमें ऑफर करती है कंपनी। गोल्डन जो है क्रोम का भी यूज़ कंपनी ने, हालांकि ये गोल्ड एडिशन है तो इसमें अंदर भी आपको गोल्डन जो है फिनिश आपको मिल जाने वाला है। बाकी यहाँ पे आपको देखिए ये आपको ये इसमें पैनोरामिक सनरूफ कंपनी ऑफर करती है, तो यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ को ओपन करने के लिए अन ओपन करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है। देखिए ये आपको कर्टन इसका जो है ना मान लीजिए अभी खुला हुआ है, इसको आप बंद कर सकते हैं। देखिए ऐसे अभी हमें खुला रहने देता हूँ इसको, बाकी देखिए आपको सनरूफ ये ओपन होता हुआ मिल जाएगा आपको, पूरा नहीं खुलता भाई। ऐसा नहीं कि पैनोरामिक सनरूफ है तो पीछे वाला भी आदमी ऊपर की तरफ जा सकता है, बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक खुलता है, बाकी यहाँ पे पूरे ग्लास के एरिया मिल जाते हैं। तो इसको मैं करता हूँ बंद,
तो यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो फीचर पैनोरामिक सनरूफ को ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए, ये सब बटन यहाँ मिल जाएंगे आपको। बाकी यहाँ पे जो है LED लाइट्स मिल जाएगी आपको, लाइट्स का काफ़ी थ्रो अच्छा है, तो यहाँ पे LED लाइट्स मिल जाने वाली है। बात करें इसके सीट के फीचर की, देखिए यहाँ पे आपको सीट को रिक्लाइन करने के लिए, यहाँ पे रिक्लाइन भी कर सकते हैं इसको, ये देखिए आप काफ़ी रिक्लाइन हो जाता है, ये यहाँ से आपको रिक्लाइन भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ नीचे आपको पीछे वाली सीट भी आपको एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको जैसे फ्रंट में मिलता है वैसे यहाँ भी मिलता है आपको। बाकी यहाँ पे आपको फ़ैन के कंट्रोल, आपको फ़ैन वगैरह तेज़ करना हो तो यहाँ से आप फ़ैन की स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो ये कैप्टन सीट वाला जो वेरिएंट है काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छा लगता है। बीच में देखिए यहाँ पे आप पीछे जाने के लिए रास्ता छोड़ा गया है, आसानी से आप पीछे की तरफ भी आ जा सकते हैं। तो बाकी ऐसे कुछ दिखता है ये पीछे से वेरिएंट। पीछे भी आपको एक LED लाइट मिल जाने वाली है, देखिए यहाँ पे LED लाइट मिल जाने वाली है, बाकी एक लाइट आपको वहाँ आगे मिल जाएगी, तो दो लाइट मिल जाने वाली है। बाकी रीडिंग लैंप आपको रेयर पैसेंजर के पास भी आपको जो है रीडिंग लैंप मिल जाएंगे, दोनों तरफ आपको रीडिंग लैंप मिल जाएंगे। हैंडल भी आपको यहाँ देखिए हैंडल मिल जाता है, उधर भी आपको हैंडल मिल जाने वाला। तो थैंक यू गाइज, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, ड्राइव सेफ।